नमस्कार आप सभी का पुनः स्वागत है जैसा कि आपको याद होगा पिछली परिचर्चा में हम यादृच्छिक चरों पर कुछ अभ्यास प्रश्न कर रहे थे उसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कुछ और प्रश्नों का हल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा पिछली परिचर्चा में जैसा कि आपने देखा हमने यादृच्छिक चर क्या होते हैं उन्हें परिभाषित किया और उनसे संबंधित कुछ परिणामों को आपके सामने प्रस्तुत किया आज मैं आपके सामने याचिक चर के कितने विन्यास होते हैं यह प्रस्तुत करूंगा इसके पश्चात हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को लेंगे तो चलिए शुरू करें इस परिचर्चा को एक संक्षिप्त पुनरावलोकन इस बात का कि चर कितने प्रकार के होते हैं तो पहला याचिक चर हम देख सकते हैं कि जो बहुत तायत हम इसको, इसको इस्तेमाल करते हैं वह है द्विपद चर जैसा कि इस याचिक चर का प्रायिकता द्रव्यमान फलन इस प्रकार दिया जाता है यह इस बात का द्योतक है कि यदि हमने कोई एन नंबर के प्रयोग किए हैं या कोई परीक्षण किया है वह सारे परीक्षण आपस में परस्पर स्वतंत्र हैं तो उन परीक्षणों में जबकि उसमें सफलता की प्रायिकता को अगर हम पी से इंगित करें तो सफलता की प्रायिकताओं की संख्या क्या होगी तो आप देख सकते हैं आई यहाँ पे इंगित कर रही है कि n परीक्षणों में सफलता की संख्या को तो संख्या का मान शून्य से लेकर एन तक हो सकता है अतः इस यात्रिक चर का प्रायिकता द्रव्यमान फलन हम निम्न प्रकार से दिख सकते हैं कि अगर n प्रयासों में एन परीक्षणों में आई सफलता प्राप्त होती है तो एन माइनस आई असफलताएँ प्राप्त होंगी चूँकि सफलता की प्रायिकता पी है और असफलता परस्पर पूरक हैं तो असफलता की प्रायिकता एक ऋण पी होगी तो हम ये देख सकते हैं कि एन परीक्षणों में आई सफलताएं कुल कितने प्रकार से विन्यासित हो सकती हैं जिन्हें हम एन सी आई से निकाल सकते हैं तो यह पूरी प्रायिकता का द्रव्यमान फलन लिखा जा सकता है एन सी आई गुणित पी घात आई जो कि आई सफलताओं को इंगित कर रही प्रायिकता को इंगित कर रही है और एक ऋण पी घात एन माइनस आई जो कि एन माइनस आई असफलताओं की प्रायिकता को इंगित करती है यह गुणनफल इस, इस चर का प्रायिकता दब्यमान फलन होता है और इस तरह के चर का जो वितरण है उस वितरण का औसत और विचरण इस प्रकार दिए जा सकते हैं औसत का मान एन पी व एन जो है कुल प्रयासों की संख्या और पी किसी एक भी प्रयास में सफलता की प्रायिकता और इसका विचरण एन पी गुणित एक ऋण पी एक अन्य असतत या चर जिसका कि विवरण इस प्रकार है इसे हम पाइसन यादिक्चर भी कहते हैं इसका प्रायिकता द्रव्यमान फलन निम्न प्रकार से दिया जाता है जहाँ की लैमडा एक प्राचल है एक पैरामीटर है इस प्रायिकता द्रव्यमान फलन का तो इस प्रायिकता को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर हमने बहुत ज़्यादा संख्या में कुछ प्रयोग किए हों और उन प्रयोगों में सफलता की प्रायिकता बहुत कम हो एक अल्प संभावना है सफलता की तो कुल सफलताओं की संख्या क्या होगी ऐसे प्रयोग में वह उसका जो है प्रायिकता कर्धमान पर दिया जा सकता है निम्न प्रकार से इसकी गणना कैसे की होगी मेरे सहयोगी ने आप से पहले ही इसके बारे में चर्चा की होगी तो हम उन चर्चाओं को देते हुए हम संक्षिप्त पुनलावलोकन कर रहे हैं तो इस तरह के वितरण का औसत और विचरण निम्नता उसके प्राचल के बराबर होता है दोनों का मान लैम्डा या प्राचल ही होता है आइए एक और तरह के याचिक चर को बारे में जाने इस याचिक चर् को हम जामिति याचिक चर बोलते हैं इसका द्रव्यमान फलन निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है यह इस बात को दर्शाता है कि अगर हम यह प्राप्त करना चाहते हैं कि वह प्रयोग संख्या क्या है जब मुझे पहली सफलता मिलेगी मान लीजिए वह प्रयोग संख्या आई है पहली सफलता मिलने की तो हम समझ सकते हैं क्योंकि तो पहली सफलता आई में प्रयास में मिली है तो आई ऋण एक प्रयास असफल रहे होंगे तो इस तरह के चर की प्रायिकता निर्माण फलन को हम निम्नलिखित ग्राफ से व्यक्त कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह होगा पी गुणित एक ऋण पी घात आई ऋण एक जहाँ आई वह प्रयास है जिसमें हमें पहली सफलता मिली तो आई का मान यहाँ पर एक से लेकर अनंत तक जा सकता है तो ये तृपांत इस प्रकार लिखा जाता है और इस तरह के याद चर का वितरण का औसत और विचरण क्रमशः एक घात पी और एक ऋण पी बटा पी घात दो यह ही इनके परस्पर औसत और विचरण का मान होता है आगे हम पढ़ते हैं एक और याद चर जिसे कि हम ऋणात्मक द्विपद चर बोलते हैं ऐसा चर का प्रायिकता द्रव्यमान फलन इस प्रकार दिया जाता है जो यह बताता है कि हमें आर सफलताएं अगर हम चाहते हैं कि हमें आर सफलताएं मिलें तो उसके लिए हमें कुल कितने प्रयास करने होंगे जब हमें आर सफलताएं मिलें जो कि एक निश्चित संख्या है सफलताओं या किसी विशेष घटना के होने की तो यह एक द्विपद है जो कि हमें पता है कि अगर हमें आर माइनस वन सफलताएँ लेनी हो तो उसकी प्रायिकता हम जैसा कि हमने देखा है द्विपद में पिछले पटल में हम लिख सकते हैं आई माइनस वन आर सी आर माइनस वन पी घात आई ऋण एक और एक ऋण पी घात आई माइनस आर परंतु हम यहाँ पे यह कह रहे हैं कि हमें आरवी सफलता आईवे आई प्रयास में मिली है तो आरवी सफलता मिलने की प्रायिकता पी होगी और अगर इन्हें हम सब गुणित करते हैं तो उससे हमें यह प्रायिकता दर्वान फलन प्राप्त हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं पटल पर यहाँ पर आई का मान आर सफलताएँ मिलने के लिए कम से कम आर तो होना ही पड़ेगा और या वो आर से ज़्यादा होगा जैसा कि आप देख सकते हैं जो इसमें हमने आई के ऊपर प्रतिबंध लगाया है कि आई का मान आर से ज़्यादा या आर के बराबर हो सकता है इसका वितरण का औसत और विचरण क्रमशः आर बटा पी और आर गुणित एक ऋण पी बटा पी घात तो होते हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि ये उर् का ज्यामिति या शिक्षण एक सफलता का था या आर सफलताओं का एक वितरण होता है तो एक और तरह का जो हम यादक्षिक्षर जैसे कि हम अति जामिती याचर कहते हैं ऐसा याचिक चर जो कि इस प्रकार जिसकी व्याख्या की जा सकती है कि x एक ऐसा याचिक चर है जो दर्शाता है चुनी हुई n गेंदों में ले सकते हैं उदाहरण के लिए श्वेत गेंदों की संख्या जबकि चुनाव कुल आंग्ल भाषा में कैपिटल एन गेंदों में हुआ हो जिसमें कि हमें पता है कि कुल एन गेंदों में एम गेंदे जो हैं वह श्वेत हैं तो इस तरह का अगर कोई प्रयोग हम करते हैं तो उसमें जो प्रायिकता है कि चुनी हुई गेंदों में क्या संख्या होगी एक विशेष प्रकार की जैसे कि हम श्वेत गेंद लिख रहे हैं तो अगर हम बोलें कि श्वेत गेंद की संख्या एक प्रायक्तिक चार होगी जो कि और उसका जो है प्रायता फलन निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है आप देख सकते हैं कि हमें एम गेंद हैं एम गेंदों में से आई अगर संख्या बताती है श्वेत गेंदों की चूँकि जैसा कि कथन में दिया है कि एम गेंदे श्वेत हैं तो उसमें से आई गेंदों को चुनने की विभिन्न प्रकार होंगे एम सी आई और बची हुई एन माइनस वन गेंदों से हम छोटा एन ऋण आई को कितने प्रकार से चुन सकते हैं उन सभी के गुणन को हम घटाएंगे, अगर हम एन गेंदों में से छोटा एन गेंदे चुनने के कुल प्रकार क्या हैं यह अनुपात ही इस दशा में प्रायिकता द्रव्यमान फलन होगा जहाँ की आई का मान शून्य से लेकर एम तक हो सकता है चूंकि कुल एम गेंदे हैं इसलिए श्वेत गेंदों की संख्या ज्यादा से ज्यादा एम हो सकती है इस तरह के यात्रिक के वितरण का औसत और विचरण क्रमशः इन और आप जैसा देख सकते हैं यह इस पद द्वारा दिए जाते हैं जहाँ की प्रायिकता सफलता की होगी एम बटा एन चूंकि एम ही हम यहाँ पे एम श्वेत गेंदों की संख्या है कुल एन गेंदों में तो यह प्रायिकता का मान हम एम बटा एन से निकाल सकते हैं